दोस्तों 900 स्क्वायर फीट में ये घर आपको बनकर रेडी हुआ है और बहुत बेहतरीन प्लान आपका आज का होने वाला है, जिसका टेक्सचर है जो ईंटों का है और पिलर भी मैंने सारे यहाँ पर क्रिएट किए हैं। आपको कहाँ कहाँ पर पिलर बनवाने हैं, कहाँ पर ईंट का पूरा स्ट्रक्चर बनाना, पूरा डिज़ाइन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, जिसका साइज़ है 900 स्क्वायर फीट, मतलब कि 30x30 में मैंने मॉडल क्रिएट किया है। पूरा प्रॉपर तरीके से ईंटों का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, जैसा कि घर बनकर रेडी होता है, और इसके बाद ये पूरा मॉडल बहुत ही बेहतरीन आपका होने वाला है, इसी को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए लगातार, मैं हूं पंजागल और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने दोस्तों अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं, तो आज का मॉडल है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिएगा बीम का डिज़ाइन है और ये ईंटों का टेक्सचर है, इसमें मैंने ये ग्लास नुमा आपका स्ट्रक्चर क्रिएट किया है रेलिंग में। ये सभी आपके पिलर बने हुए हैं, चारों तरफ पिलर से देखिएगा, ये सब मैं अभी इसी को डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रंट एलिवेशन की, तो ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, छोटा सा पोर्च है और स्टेयर्स है, आगे आपका रोड है। तो ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर बनकर रेडी हो जाता है, जिसमें कि ये देखिएगा आपका बीम है जो कि आपका जिगजैग मोशन में है, कर्व टाइप में है, साइड में बिल्कुल फिनिशिंग है, और यही आपका पोर्च का एरिया है। ये जो दोनों साइड विंडो मैंने दिया है, क्योंकि दोनों तरफ आपके बेडरूम है, तो दोनों साइड विंडो विथ फ्रेम दिया है, विंडो विथ फ्रेम इधर भी दिया है। इसके चार पिलर दिए हुए हैं, दो कॉर्नर पर दिए हैं। इसके बाद ये मेन डोर है जहाँ से एंट्री करेंगे, ग्लास का यूज़ किया है, इसे एंट्री करके आप अंदर पहुँच जाते हैं। अंदर पहुँचने पर ये एक लिविंग हॉल टाइप आपको में देखने को मिलता है। इस हॉल में आपको देखिएगा इस कॉर्नर पर आपको एक और बेडरूम मिलता है, जो कि थोड़ा सा छोटा है आगे वाले की अपेक्षा में, ये बेडरूम मिलता है। और इन दोनों बेडरूम के बीच में एक लेट एंड बाथ मिलता है आपको। और इधर की बात करें तो इस राइट हैंड में आपको स्टेयर्स मिल जाते हैं चढ़ने के लिए, और ऊपर आकर आ जाएंगे इधर। और स्टेयर्स के जस्ट साइड में आपका किचन एरिया है, एक बड़ा सा किचन मैंने क्रिएट किया है, और ये आपका एक लिविंग हॉल टाइप का है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीन बेडरूम के साथ लेट बाथ किचन स्टेयर्स लिविंग हॉल और पोर्च के साथ ये आपका 30x30 900 स्क्वायर फीट में घर बनकर रेडी हो जाता है। ये देखिए, और मैं आपको जूम करके दिखा दूं। और पिलर पोजीशन की बात करें, पिलर आपकी बात करें तो देखिए आगे चार पिलर है आपके, पीछे चार पिलर है, और इसके बाद इस साइड जहाँ ये बेडरूम है इसमें चार पिलर हैं आपके, और ये जो जहाँ पर स्टेयर्स आएगा वहाँ पर टर्न होगा वहाँ पर एक पिलर एक्स्ट्रा दिया है, और एक बाथरूम के बीच में एक एक्स्ट्रा पिलर दिया है। तो ये 30x30 का बेहतरीन सा मॉडल बनकर आपका ये रेडी हो जाता है, जो कि एक बेहतरीन सा प्लान, बेहतरीन सा टेक्सचर आपको देखने को मिलता है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात होगी। फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पर कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया, चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री, और जो भी पिलर्स थे बाहर वाले पिलर थे वो सारे डिज़ाइन किए हैं, और फ्रंट वाला कमरा जो ऊपर वाला कमरा था वो डिज़ाइन कर दिया है, उसमें विंडो भी डिज़ाइन कर दिए, और ये सारे पिलर जितने भी थे वो सारे डिज़ाइन कर रखे हैं। लास्ट में इस गुमटी को मैंने इस पिलर में रूप लगा दिया, मतलब रूप छत बना दी है, और थोड़ा सा डिज़ाइन क्रिएट कर दिया। तो 30x30 में मॉडल बनकर रेडी हो जाता है आपका। ईटों का टेक्सचर था जैसा कि मैंने बताया, तो ये मॉडल आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। कोई भी डाउट तो कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, वीडियो मॉडल कैसा लगा ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।